अमित शाह ने बुधवार को कोलकाता के मशहूर धर्मतला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। ये बात अलग है कि इस मैदान में रैली की इजाजत लेने के लिए बीजेपी को हाई कोर्ट तक जाना पड़ गया। लेकिन रैली हुई तो अमित शाह ने ममता बनर्जी पर इल्जामों की बौछार कर दी। इसके बाद अमित शाह ने सीए का जिक्र छेड़ दिया। पहले सुनिए अमित शाह ने क्या क्या कहा। अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर, आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। कोलकाता में कानूनी जंग के बाद अमित शाह का रैली करना और रैली में सीएए की बात करना, इसका मतलब क्या है? बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के मार्च अप्रैल में होने हैं, यानी करीब पौने तीन साल का वक्त बाकी है, तो अभी सीएए का जिक्र क्यों? ये सवाल महत्वपूर्ण है। आपको इस रिपोर्ट में इसकी वजह बताते हैं। दरअसल अमित शाह ने सीएए की बात करके 2024 के चुनावी गदर का ऐलान कर दिया है। जनवरी के महीने में राम मंदिर में पूजा अर्चना होने वाली है, इसके लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तक तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सीएए को लागू करके बीजेपी बड़ा चुनावी दाव चल सकती है। ये ध्रुवीकरण का वो दाव है जो पूरब के बंगाल से दक्षिण के केरल तक असर दिखा सकता है। जाहिर है इससे हिंदू वोटों पर असर होगा और पूरे देश में ध्रुवीकरण का माहौल भी बनेगा। इसे खाद पानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से भी मिलेगा, जिसका क्रेडिट बीजेपी हमेशा से लेती आई है। बीजेपी की रणनीति समझने के लिए एक बार फिर अमित शाह की कोलकाता रैली की बात करना बेहद जरूरी है। इस रैली में अमित शाह ने सीएए का जिक्र किया, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इस सवाल के जवाब से पहले आपको एक बार सीएए की खास बातें याद दिला देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से सीएए पर कोई भी बात नहीं कर रहा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए मोदी सरकार ने 2019 में पास करवाया। इसके मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता के हकदार होंगे। ये बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी जितनी बार इसका जिक्र करती है, विरोधी उतनी बार ध्रुवीकरण की कोशिश का इल्जाम बीजेपी पर हमेशा से लगा देते हैं। विपक्ष, खासकर कांग्रेस का आरोप है कि 2024 का चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सीएए का राग छेड़ा है। इसका मकसद सीधे सीधे हिंदू वोटों को अपने हक में जुटाना है, ये माहौल बनाने की कोशिश भी है। बीजेपी ने बंगाल में इसका दाव चलकर ममता के लिए चुनौती पैदा करने की कोशिश की है। हर हाल में बंगाल में अमित शाह ममता के एक तरफा जीत की हुंकार को काट देना चाह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।